गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। एंड आज है फ्राइडे। आज फ्राइडे है ना शलभ? आज है फ्राइडे और अभी हो गए हैं 11-12 बजने हैं। एंड मैं आ गई हूँ रसोई में लंच बनाने। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा एज यूजुअल। शलभ ने सबके लिए चीज ऑमलेट बनाए थे टेस्टी से, तो नाउ इट्स माय टर्न टू मेक लंच। एंड लुक एट हिम, दो बज गए थे तो हमने खाने ही नहीं बनाया आज। ओ प्लीज फूल मत खोलो, मैंने बोला है 12 बज गए, मैंने सबको बोल दिया 12 बज गए। दो झूठ बोल लिए, दो बज गए, लंच का था पता नहीं है यहाँ पे। प्लीज चुप चुप चुप, तो मेरे को कुछ गलत फहमी हो गई होगी। तो शलभ भी बेचारा बच्चा भी देखो उसको किसके ऊपर चढ़ रहा है, सारे मम्मा मांग रहे हैं। और मेरे को भी तो भूख लग रही है, मैं भी तो तुमसे मांग सकती हूँ। बनाती ना नहाने गई, मैं कह रहा पानी की आवाज नहीं आ रही, आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से पौधों के अंदर पानी की आवाज आ रही थी, नहा गया। फिर मुझे लगा कहीं बेहोश होश होकर अंदर गिर गई हो, मैंने आवाज लगाई क्योंकि मैं भी बेसन लगा रही हूँ। ये एक बॉक्स के ऊपर चढ़ा हुआ था, वो बॉक्स फिसल गया तो बेबी गिर गया। आंसू रुक गए महंगे भाई, फोन देखते ही आंसू रुक गए। दूध तो छुड़ा किया था तुमने, फिर उल्टी में निकाल भी दिया बूद। ये दूध को बूद कहते हैं। तो बूद तो पी के तो जब भी वो अपनी मिल्क बॉटल देखता है ना, तो एकदम देख के ही बूद बूद, चाहे वो दिन में 10 बार देखेगा मिल्क बॉटल, तो उसे हर बार दूध की बॉटल देख के दूध याद आता है। तो बूद बूद, जस्ट नाउ ही सॉ हिज बॉटल, तो इसलिए उसको बूद याद आ गया है। रियांश अब मम्मी खाना बनाएगी झटपट। पापा की कॉल है, पापा कॉल तो कर ले बेटा। चलो पापा हाँ ना आइए भाई, तुझे बड़ी पहचान है ना। की बोल रहे ना, खा ले मेरी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अरे तो इसको अंदर बैठ के खिलाती ना, मैं तुमसे इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरी कॉल है, कॉल है, कॉल है, अंदर बैठ जाओ। भूख लग गई है, चलो मैं हमें भेज दिया अंदर, उनकी कॉल आ गई है, उन्होंने बोला अंदर जाओ और ना खाओ। उन्हें बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, मैं ही इज ऑन कॉल। आप देख सकते हो डोर बंद है और हम अंदर बैठे हुए, धीरे धीरे विस्परिंग कर रहे हैं। खाने में अभी थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि आज को भूख लग रही थी, तो फ्रूट्स थे अभी कटे हुए, तो मैं इसको यही खिला रही हूँ पहले ताकि इसकी भूख शांत हो जाए, फिर मैं खाना बनाऊंगी। अब बज गए हैं 2:30 और अभी सच टाइम बता रही हूँ, चलो कन्फर्म कर दो टाइम लोगों को। 2:27 बोला और अब बस चपाती बनानी बाकी है। पता नहीं पर खाना तो हमारा था यार, हो गया। रियांश को कुकिंग देखना बहुत पसंद है, वो शलभ के पीछे पड़ा हुआ है कि मैं तो यहाँ काम कर रही हूँ तो मेरे को लेके खड़ा रहे, पता नहीं इसको क्या देखना है यहाँ पे। चलो बेटा पापा तो जा रहे हैं अंदर, अब तो तुम करना तुम करो। एक तो रोज रोज समझ ही नहीं आता बनाऊं क्या, बनाना प्रॉब्लम नहीं है पर क्या बनाना प्रॉब्लम है। व्हाट हैपेंड, ये क्या कर रहे हैं? ओ प्लीज चलो, छोटा बच्चा है वो। जहाँ मैंने खाना बनाना शुरू किया, ये बर्तन निकाल निकाल के रखता रहता है हमारे लिए भी और अपने लिए भी, प्लेट कटोरी चम्मच, चम्मच को खैर हाथ नहीं जाता बट अगर इधर उधर कहीं होती है तो वो भी लाके रख देता है। रखो इसको वापस, नहीं चाहिए प्लेट। अच्छा अच्छा अच्छा, लो फटाफट कुकर खुले तो मैं शलभ को देखे आऊँ, इसका खाना बन रहा है, सारे बर्तन निकाल निकाल के रख देगा। रियांश मत निकालो यार प्लीज, मामा को रखने पड़ेंगे बेबी फिर वापस। रियांश बस करो प्लीज, जाओ यहाँ से। अब क्या हुआ,
रुक जाओ, आओ आओ आओ। ओह माय गॉड, क्यों रो रहे हो ऐसे? मम्मी खाना कैसे बनाएगी गोदी में रखेगी तो आलू मटर की सब्जी रेडी हो गई है और अब मैं छोड़ के आती हूँ प्लेट को और रियांश को शलभ के पास। फाइनली बैठ गया शांति से, तो मेरी भी प्लेट लग गई है और अब मैं जाती हूँ खाने, क्योंकि बहुत पसीने भी आ रहे हैं, तो बैठूंगी थोड़ा रेस्ट करूंगी। और अब एग्जैक्टली 2:40 हो रहे हैं, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, सच्ची में 2:40 हो रहे हैं। विद इन लाइक 30-40 मिनट्स मैंने पूरा खाना निपटा लिया है। तो चलिए मैं अपना खाना खाने जा रही हूँ, और अगर आप लोगों ने भी नहीं खाया है तो खा लीजिए। उसका पेट भर गया होगा। अच्छा सब्जी कैसी बनी है? खाना अच्छा बन रहा है तो बोल दो ना, सब्सक्राइबर्स देख, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। तो भाई लोगों, किसी को अपनी शादी में, दावत में, बर्थडे पार्टी में आलू की सब्जी बनवानी हो तो इसी को बुला लेना, ये ज्यादा हो रहा है। चलो धन्यवाद, तारीफ के लिए शुक्रिया। शनम टाइम हो गया जिम का, और पता है आपके जाते ही ये पीछे पड़ जाएगी, तैयार है। एंड एट व्हाट टाइम यू विल कम बैक? चलो बाय बाय। कब आओगी वापस? फोन स्विच ऑफ है और जिम में मन कर रहा है जिम बंद होने से पहले। नहीं, 7:00 घर चाहिए मेरे को, 7:00 घर चाहिए बस। क्या कुछ ना कुछ छूना है बेबी? अरे ये पता है इसको वाटर मेलन पहचान में आ रहा है। दीदी लाइए कितनी सारी वेजिटेबल्स, इतने ओरिजिनल वेजिटेबल्स रखेगी। मैं लेकर जाती हूँ मेसी को वॉक पर, और वॉक पर मेसी को मिला ये क्यूट सा जूनियर, जिसके साथ मेसी इतना खेली कि उसकी वॉक बंद हो गई और वो इसके साथ खेल खेल के थक गई, और उसके बाद हमें इसे वापस लाना पड़ा। मैं ये मेसी घुमा के आई, मैं जिम से वापस आया हूँ, और डिनर एज यूजुअल हम नहीं करने वाले हैं। बस मेरी एक ही उम्मीद है, रात को सोने से पहले ईदी एक कप चाय पिला दे, वो बड़ा एहसान होगा। चाय, शलभ को आदत पड़ गई है उसकी, इसने आदत डला दी। मैं चाय पीता नहीं था लास्ट 1 ईयर से, मतलब ऐसी हो गया कि मुझे बिना चाय के नींद नहीं आती। हाँ बेटा, ईदी को मैं थोड़ा सा धक्का देना पड़ेगा चाय बनाने के लिए। सब कहेंगे इतनी सारा काम करती है। हाँ ठीक है, हाँ तुम सारा काम करती, नो प्रॉब्लम, आई एग्री। और जो मैं धक्का दूंगा मैं इसको, मैं वो हम वीडियो में डाल नहीं सकते क्योंकि वो धक्का अलग तरीके से लगाना पड़ता है इसको। तो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल व्हिच इज इंडियन ब्लॉगर एटी एंड शलभ।